लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन क्या है कि अगर कोई आदमी जो लिमिटेशन एक्ट 1963 में है, स्पेसिफिक इसमें प्रोविजन है कि अगर कोई आदमी 12 साल तक किसी संपत्ति में रह जाता है और विद इन द नॉलेज ऑफ ट्रू ओनर रह जाता है और उसके बाद भी आप उसको हटाने के लिए नहीं कहते तो वो संपत्ति का मालिक बन जाता है। यहां पे वर्ब बाय यूजर में कोई समय सीमा भी नहीं है कि अगर आप एक संपत्ति 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल कब से यूज कर रहे हैं कि वर्ब बाय यूजर का कंसेप्ट, वर्ब बाय यूजर की जो थीम है उसको आप एक्टिवेट करने के लिए यहां पे वो भी नहीं मेंशनड है। बस वर्ब बाय यूजर हो गया। राम मंदिर के केस में आपको जब डीड ऑफ डेडिकेशन नहीं मिली आपने कह दिया वर्ब बाय यूजर हो गया। ज्ञान व्यापी के केस में अगर आपको कोई डीड ऑफ डेडिकेशन ना मिले तो आप कह देंगे वर्ब बाय यूजर हो गया। ईदगाह मैदान बैंगलोर का अगर आपको कोई डीड ऑफ डेडिकेशन ना मिले तो आप कह देंगे वर्ब बाय यूजर हो गया। तो ये वर्ब बाय यूजर का कंसेप्ट एक बहुत ही ड्रेकोनियन कंसेप्ट है और मैं ये कहूंगा आपके सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से कि आर्टिकल 300 सब क्लॉज है जो राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल है उसको ये वायलेट करता है। आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 29, 30 सारे प्रोविजंस को मर्डर करता है। और इस तरह का कंसेप्ट और इस तरह की थीम किसी हिंदू समाज के लिए, जैन समाज के लिए, सिख समाज के लिए, बुद्धिस्ट समाज के लिए, किसी और वर्ग के लिए इस देश में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वर्ब बाय यूजर की थीम वर्फ एक्ट 1995 के तहत इंट्रोड्यूस की गई और ऐसा कोई भी कंसेप्ट किसी मंदिर के लिए या किसी और जगह के लिए नहीं है और इसका बहुत भारी मात्रा में दुरुपयोग किया जा रहा है। और कांग्रेस की सरकार ने वर्फ एक्ट 1995 लाके वर्फ एक्ट में वर्फ बाय यूजर की थीम डाल के एक बहुत बड़ा मापाप किया है जो इस्लामिक लॉ का भी वायलेशन है और इसी के चलते हजारों संपत्ति आज वर्फ संपत्ति के दायरे में चलती चली आ रही है। आज जब मैं आपसे यहां बात करने आया हूं, उससे पहले अभी 2 घंटे पहले मेरे पास फोन आया कोल्हापुर से जहां पे कानिफनाथ मंदिर है वहां पे 40 एकड़ जमीन जो मंदिर की संपत्ति है उसमें वर्फ बोर्ड अपना क्लेम कर रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट।